ইঞ্জিন তৈরির খরচ 11.5 কোটি টাকা। শিলিগুড়িতে ইলেকট্রিক লোকো প্যাসেঞ্জার ট্রেন। উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের প্রথম ইলেকট্রিক লোকো প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিনের আনুষ্ঠানিকভাবে যাত্রা শুরু হলো শুক্রবার। এদিন শিলিগুড়িতে একটি ইলেকট্রিক লোকো প্যাসেঞ্জার ট্রেনের যাত্রা শুরু করেন ডিআরএম কাটিহার সুরেন্দ্র কুমার। শিলিগুড়ি জংশনের ডিজেল লোকো শেডে এ উপলক্ষে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এনএফ রেলওয়ের একাধিক আধিকারিক সেই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন। রেলের ইলেকট্রিক লোকো প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিনের যাত্রা শুরু ঘিরে উদ্দীপনা ছিল রেল কর্মীদের মধ্যে। ডিআরএম কাটিহারের সঙ্গে সঙ্গে রেলের একাধিক আধিকারিক পতাকা নাড়িয়ে অনুষ্ঠানে যাত্রা শুরু করেন এই লোকো প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিনের। এই শুভ মুহূর্তকে স্মরণীয় করে রাখতে পুজোও অনুষ্ঠিত হয়। তার পাশাপাশি কেক কাটার পর্ব চলে। অনুষ্ঠান পর্বের শেষে কাটিহার ডিভিশনের ডিআরএম সুরেন্দ্র কুমার সাংবাদিকদের বলেন, নতুন বছরে নতুন উপহার নিয়ে উত্তর পূর্ব ভারতের রেল এই প্যাসেঞ্জার ইঞ্জিন নিয়ে হাজির হয়েছে। পরীক্ষামূলকভাবে 8টি পথ দিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে চালানো হবে এই ইঞ্জিনটিকে। মোটামুটি এই ইঞ্জিন তৈরি করতে 11.5 কোটি টাকা খরচ হয়েছে বলে ডিআরএম জানান। अमोद भी आ गया है। हमारे तरफ से सीनियर डीएम डीजल सिलीगुड़ी श्री मनीष कुमार सर, सीएलई मालीगांव, सीएपी मालीगांव, सीनियर डीएम सिलीगुड़ी डीजल सेट और अलग रेलवे के अधिकारीगण और उपस्थित सभी सिलीगुड़ी सेट के कर्मचारीगण और सभी मीडिया और प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के प्रतिनिधिगण, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारतीय रेल का उत्तरोत्तर विकास होता जा रहा है। अनेक नई लाइन बन रहे हैं, इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहे हैं, हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। उसी के तहत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की भी आवश्यकता होती है। जितने सारे नए नए ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रहे हैं या जो पुराने चल भी रहे थे, और जैसा कि कल आपने बजट में भी देखा कि बहुत सारे नए ट्रेन इंट्रोड्यूस करने का प्रावधान रखा गया है आगे आने वाले समय में, इन सभी के लिए इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव की जरूरत होती है। और यह अपार हर्ष का विषय है कि आज के दिन पहला मेल एक्सप्रेस लोको सिलीगुड़ी डीजल सेट से बाहर निकल रहा है अपना कमीशनिंग के बाद से। मैं पूरे सिलीगुड़ी डीजल सेट के कर्मचारियों को, अधिकारियों को बधाई देता हूँ, उन्होंने यह संभव करके दिखाया है और इतना हौसला रखा है कि आगे आने वाले समय में वो इस जिम्मेदारी को निभा सकेंगे। और मुझे आशाएं नहीं, पूर्ण विश्वास है कि सिलीगुड़ी सेट जो हमेशा अव्वल रहा है, इस क्षेत्र में भी अव्वल रहेगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, माननीय रेल मंत्री के नेतृत्व में रेल का विकास हर चारों तरफ हो रहा है। प्रधानमंत्री की विशेष दृष्टि रेलवे के विकास पे है और कल जैसा बजट में आप लोगों ने देखा होगा, रेलवे के विकास के लिए चौमुखी योजनाएं बनाई गई हैं। चारों तरफ इलेक्ट्रिफिकेशन हो रहा है। इस साल सरकार का लक्ष्य भी है 100% इलेक्ट्रिफिकेशन कर देने का, जिसके काफ़ी करीब पास पहुँच चुके हम लोग हैं। और उसी के तहत इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव का ही प्रोडक्शन बहुत तेज़ी से बढ़ाया गया है और विशेष उन स्थानों में जहाँ पहले से इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव नहीं चला करते थे, वहाँ पे पहुँचाया गया है। NFR में पैसेंजर लोकोमोटिव, मेल एक्सप्रेस लोकोमोटिव पहले नहीं थे, होमिंग नहीं थे, दूसरे जोन्स के लोगों पे हमें डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो इस संदर्भ में यह पहला मेल एक्सप्रेस लोको सिलीगुड़ी सेट में आया है, यह बहुत ही गर्व का विषय है। और इस तरह से हम आगे बढ़ते हुए आगे आने वाले समय में पूरे NFR के जो मेल एक्सप्रेस चलते हैं वो हम अपने लोकोमोटिव से चला सकेंगे। वो जो रिक्वायरमेंट वगैरह है उस पर काम चल रहा है, धीरे धीरे जल्दी से उनको पूरा कर लिया जाएगा। इंजन का तो बर्नर भी चेंज करने का, हाँ वो सब काम आगे बढ़ रहा है, सब समय पे उसको कर लिया जाएगा। DHR का बहुत सारे कुछ इंसिडेंट हुआ है डीरेलमेंट का, उसके लिए ट्रैक रिन्यूअल या वो सब के लिए कुछ प्रोग्राम है? ट्रैक रिन्यूअल के सारे प्रपोजल रेलवे बोर्ड जा चुके हैं, बजट में सैंक्शन भी हो सकता है, वो इस साल हो जाएगा। उसके अलावा जहाँ पे
तत्काल के लिए जहाँ पे विशेष मरम्मत की जरूरत थी वहाँ पे युद्ध स्तर पे उसको काम किया जा रहा है, और जो डिरेलमेंट या दूसरी घटनाएं जो हो रही है उस पे रोक लगाने का हम लोग पूरी तरह से प्रयासरत हैं और कुछ हद तक इसमें सफल भी हो रहे हैं हम लोग। हैं फिलहाल तो ऐसा कोई प्रपोजल नहीं है।